दोस्तों आज हम बताएंगे आपको पल्सर गाड़ी के जितने भी मॉडल होते हैं बजाज के उसके अंदर छोटा वाला लॉक कैसे डालते हैं। ज़्यादातर लोग बड़ा पूरा लॉक डलवा लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं, तो आज हम दिखाते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्मॉल लॉक है, हम इसको साइड रख देते हैं और अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये जो दो ऊपर के आप पेज देख रहे हो दोस्तों, इस पेज को हम निकालने हैं और इस पेज को निकालने के बाद हमें इस, तो एकदम सिंपल वे है दोस्तों, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड वर्क नहीं करना आपको। जो मेन काम है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ होता है। ये हमने कैप ऊपर की हटा दी है, ठीक है दोस्तों, ये कैप हमने साइड में रख दी, स्प्रिंग हमने हटा दिया, स्प्रिंग यहाँ लगेगी, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसको हटा दिया हमने, अभी जितनी प्लास्टिक वार्सल है इसको हमने साइड में कर दिया है। ये डस्ट एंड वाटर के लिए होती है, जाकि पानी जो है गाड़ी आप वॉश कराओ तो पानी अंदर ना जाए या बारिश का पानी अंदर ना जाए लॉक के, ठीक है दोस्तों। ये हमारा इधर आ गया। अब इसके अंदर दो स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग निकाल देंगे हम इसकी। ये स्प्रिंग इसलिए दे रखी होती है ताकि जब हम चाबी को घुमाते हैं तो चाबी अपने आप, जब लॉक को बंद कर देते हैं हम, तो चाबी अपने आप जिधर की तरफ चाबी लॉक होता है उधर की तरफ से अपने आप आ जाती है। ये स्प्रिंग उसके लिए होती है। अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो जो लॉक है वो जिधर की तरफ चाबी घुमाओगे उधर ही रहेगा, वापस अपनी जगह नहीं आएगा। ये हमने हटा दिया है और ये लॉक आ गया। अब इसके लॉक के अंदर एक छोटी सी पत्ती होती है, जो पत्ती इस लॉक को अंदर लगाए बैठती रखती है, उस पत्ती को हमें दबाना है और लॉक को बाहर की तरफ धक्का देना है, ठीक है दोस्तों। देखो एक छोटी सी पत्ती दिख रही होगी आप, उसमें नहीं दिखेगी, बहुत बारीक होती है। उस पत्ती को अंदर की पेचकस से आपको दबाना है और दबाते हुए ही इस लॉक को बाहर की तरफ धक्का देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए लॉक को मैंने बाहर निकाला, पत्ती को दबाते हुए ही लॉक को आपको बाहर निकालना है, ठीक है। ये देखो निकल गया लॉक, ये आ गया लॉक आपका पुराना वाला, ये लॉक ख़राब है, इसको हमें चेंज करना है। ये लॉक आप अलग से लोगे तो बहुत सस्ता मिलेगा आपको, बहुत सस्ता, 30-35 रुपए का मिलेगा, और ये अगर आप पूरा ढक्कन लोगे तो 450-500 रुपये का मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप ये ढक्कन ना डलवा के लॉक का छोटा सा लॉक पार्ट डलवाओ, ये किसी भी आपको मैकेनिकल शॉप पर मिल जाएगा जो स्पेयर पार्ट की शॉप रखते हैं। इसके अंदर से डस्ट वगैरह सब साफ़ कर देना है आपको, हवा वगैरह अगर आपके पास एयर की है व्यवस्था तो आपको एयर लगा देनी है। और ये लॉक अगर आप चाहो तो ग्रीस लगा के लॉक लगा सकते हो, बट मैंने ऐसे ही यूज़ किया है क्योंकि मेरे को ग्रीस की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है दोस्तों। अब इस लॉक के अंदर करना क्या, जो लॉक होता है जिस पत्ती को अपने लॉक निकाल, पत्ती दबा के अपने लॉक बाहर निकाला था, उस पत्ती को आपको दबाना है, पहले इसमें चाबी लगा देनी है, ठीक है दोस्तों। अब ये पत्तियाँ सारी ऊपर ही दब गई हैं और हमें क्या करना है, किसी को कुछ नहीं छेड़ना, सिंपल वे में लॉक को जैसे मर्जी लगा दो, अब इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, अपने आप लॉक ऊपर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा जैसे चाबी आप घुमाओगे। ये हमारा लॉक हो चुका है इसके अंदर, अभी निकलेगा नहीं और एकदम अलग ही परफेक्टली फिट होगा ये, इसमें कोई आपको मतलब उल्टा सीधा लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सीधा फिट होगा, उल्टा लगेगा ही नहीं। अब जैसे हमने उस सामान को निकाला था वो सामान हमें को वापस इसमें फिट कर देना है। ये हमारा इस लॉक, नए लॉक के ऊपर जो एक कैप लगी थी वो कैप लगाएंगे हम, ठीक है दोस्तों, हमने कैप लगा दी है। अब इस कैप के ऊपर हमारी जो स्प्रिंग है, दो जो दिखाई दी मैंने आपको, वो स्प्रिंग लगेगी, ये हमने स्प्रिंग लगा दी है इसके अंदर। अब इसके ऊपर छोटा सा बुश लगेगा, इसके ऊपर छोटा सा कैप के ऊपर बुश लगेगा, ये बुश जो होता है ये लगेगा, ये लग गया। अब हमारी जो वार्सलें वगैरह होती हैं ये वार्सल लगेंगी और स्प्रिंग लगेगी, ये वार्सल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी बात, अगर ये वार्सल आपके ऊपर नीचे हो भी जाती हैं अगर गलती से, या आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस वार्सल को कौन सी कहाँ लगी थी कौन सी कहाँ नहीं लगी थी, तो इसमें एक वार्सल में कट होता है, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये कट जो है जो टंकी का कट है, टैंक का ढक्कन का, उसी में अटैच होगा, ठीक है दोस्तों, ये उल्टी नहीं लगेगी। बाकी इसके ऊपर यही वार्सल आपको ध्यान देनी है, इस वार्सल में टाइमिंग होती है इस चीज़ की, इसके ऊपर जो वार्सल है वो आप जैसे मर्जी लगा सकते हो, ये प्लास्टिक वार्सल को पलट के भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर एक वार्सल जो है आपकी, जो प्लास्टिक वार्सल एक और है विद ओरिंग, ये आपको ओरिंग नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है दोस्तों। और अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया ढक्कन, ओके। अब आपको क्या करना है, इस कैप के अंदर लॉक है, लॉक के अंदर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का आपको ध्यान देना है, स्प्रिंग लगानी है ताकि जब आपकी गाड़ी का जो ढक्कन है वो लॉक हो जाए तो वो स्प्रिंग के ज़रिए वापस बाहर भी आ जाए, इसकी पिन जो है लॉक ओपन करने पर, ये आपने ये लगा दिया, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगाना है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। अब ये लगाना है, अब उसके बाद आपको स्प्रिंग लगानी है इसमें, ये वार्सल आपकी जो है जैसे लगानी थी वैसे लगा दी हमने, मैंने आपको बता दिया, ओरिंग न ही नीचे रखो चाहे ऊपर रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी रख सकते हो आप, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वार्सल आपके ढक्कन में लगेगी ऊपर कैप में, अब स्प्रिंग लगेगी और अब आपका ये जो है कैप ऊपर से फिट हो जाएगी,
दोस्तों अगर आपको ये कैप लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे की सहायता ले सकते हो इसको दबाने में, ढक्कन को दबाने में, ठीक है दोस्तों। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आप जो लॉक पिन देख रहे हो उस लॉक पिन को आपको अपनी अंदर की तरफ दबा के रखना है ताकि वो लॉक पिन जो है उसमें लॉक हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं इसको पहले बोल्टों को थोड़ा सा टाइट करूँगा ताकि वो कैप इसमें टच हो जाए और वो ऊपर ना आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कौन सी पिन है। ये पिन है देखो, ये बाहर आ रही है, पिन आ रही है ना, तो हमें इसको जब तक टाइट करना है अंदर दबा के जब तक ये पिन बाहर आना बंद ना हो, इसमें लॉक हो जाए। ये हमने इसको कर दिया है पेज को टाइट और अब हम देखेंगे इसका लॉक जो है बाहर तो नहीं आ रहा। अब इसका पेज जो है हमने टाइट कर दिया है, अब लॉक इसका हम चेक करेंगे बाहर यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा इसकी जो लॉक पिन है। दोस्तों ये जो है फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, लॉक पिन बाहर नहीं आ रहा है, वरना अपने आप ही सेट हो जाएगा ये। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए।